Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10A from R.S. Agrawal publishing book for class 8. Chapter name is Profit and Loss, question number 11. Question which is given: by selling 45 lemons, a vendor losses us sum equal to the selling price of 3 lemons. यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई वेंडर है, सब्जी वाला है, जो 45 लेमन को जब सेल करता है तो जितना कॉस्ट 3 लेमन्स का है उतना उसे लॉस हो जाता है. तो फाइंड हिज लॉस परसेंट, हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है. लॉस परसेंट की जो फार्मूला होती है, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीपल में 100, और इसके लिए लॉस की रिक्वायरमेंट है जो हमें लॉस फाइंड करनी है, फिर सीपी उसे सीपी भी फाइंड करनी है. इन दोनों को फाइंड करते फिर लॉस परसेंट का फार्मूला को लेकर के उसकी वैल्यू को पुट करके सॉल्यूशन करते हैं. ओके, लेट कर लेते हैं. लेट द एसपी ऑफ वन लेमन बी एक्स ना, वन लेमन का जो एसपी है उसे एक्स मान लेना. तो 45 का कितना हो जाएगा, तो एसपी ऑफ 45 लेमन इक्वल टू 45x. सिमिलरली एसपी ऑफ 3 लेमन का हमें फाइंड करना है, क्योंकि 3 लेमन जो है उतना ही उन्हें लॉस हुआ है. 3 लेमन का जो सेलिंग प्राइस है उतना ही उन्हें लॉस हुआ है, तो इसे हम लॉस भी कर सकते हैं. इट मींस लॉस इक्वल टू 3x. सीपी जब लॉस होता है तो एसपी में हमारा लॉस जो है वो क्या हो जाता है, प्लस होता है. हमेशा ध्यान रखो कि सीपी फाइंड करने के लिए जब लॉस हो तो एसपी से हम उस लॉस को प्लस कर देते हैं, गेन हो तो गेन को उस एसपी से माइनस कर देते हैं. ओके, देयरफॉर एसपी क्या है, 45x एंड प्लस में 3x, ये आ गया आपका सीपी 48x. ओके, नाउ हमारे पास दोनों चीज़ है, लॉस भी है और सीपी भी. अब हम लॉस परसेंट फाइंड करते हैं. लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी मल्टीपल में 100. लॉस हमने क्या फाइंड किया, 3x, तो 3x एंड अपॉन सीपी क्या फाइंड किया, 48x. एक्स टू एक्स कैंसिल हो गए और ये 3 वन जा एंड 3 सिक्स जा 18. लॉस परसेंट मल्टीपल में 100, तो ये 100 अपॉन में क्या हो गया, लॉस परसेंट इक्वल टू 100 अपॉन में 16. इन्हें जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 6 होल 4 अपॉन में 6 होल 1 अपॉन में 4 अपॉन में 16. ये 1 एंड ये 4 कैंसिल होगा, 6 होल 1 अपॉन में 4%. ये रहा इतने परसेंट का उन्हें लॉस हुआ. आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें.